गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 10 मैथमेटिक्स का रिवीजन चल रहा है और हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2021। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कुछ देखे थे पहले भी जो इस पेपर में आए हुए थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट, 31, 32 एंड 33, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी। प्रूव दैट 9 times AD² इज इक्वल टू 7 times AB². क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, क्यों ना हम ड्रॉ कर लें। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, ठीक है, और डी क्या है, डी इज द पॉइंट ऑन बीसी। तो डी बीसी पर एक पॉइंट है सच दैट बीडी, यानी कि जो बीडी की लेंथ आएगी, ये बीडी, ये बीसी का 1/3 होगा, ठीक है। अब ये बात हमें प्रूव करनी है कि 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB², इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्यों ना मैं सभी को एक्स लेट कर लूं, कि जो भी इक्वल साइड्स हैं एबी, एसी, बीसी, सब क्या है, एक्स। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। लेट एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एक्स से, मान लिया। सिंस बी डी इज इक्वल टू 1/3 times BC, दिस इंप्लाइज 1/3 times X, करेक्ट। अब जो रिलेशन हमें प्रूव करना है, यानी 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB², तो इसको करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे ऑन बीसी। एडी हमारा क्या हो, सॉरी डी नहीं लेते हैं, इसको ई लेते हैं, ठीक है। एई हमने एक परपेंडिकुलर बनाया बीसी पर, तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एई, या इस तरह से लिखिए ड्रॉ एई परपेंडिकुलर टू बीसी, ड्रॉ एई परपेंडिकुलर टू बीसी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर लीजिए या फिर एंगल बाइसेक्टर लीजिए या फिर आप मीडियन लीजिए, तो वो कैसा होता है, सेम लाइन। इट मींस बीई जो मेरा है वो क्या है, हाफ ऑफ बीसी। सो दिस इंप्लाइज बीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, बीसी यानी एक्स, ये हो गया करेक्ट। अब हमको रिलेशन किसमें निकालना है, रिलेशन निकालना है एडी में और एबी में। तो एडी यानी एडी यहां पर हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, इसके लिए तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं एडीई में और एईबी में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एईडी वी गेट क्या मिलेगा, AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE². नाउ दिस इंप्लाइज AE² इज इक्वल टू AD² माइनस DE². AD तो रिलेशन में है हमारे, उसको रिप्लेस वैसे भी नहीं करना है, और AE DE कितना हुआ था, DE हमारा आया था DE कुछ नहीं आया। अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BE माइनस BD का स्क्वायर। तो आप देखो BE ये लेंथ है और इसमें से BD माइनस करेंगे, इतने की लेंथ चाहिए थी वो मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ AD² माइनस BE कितना है, BE हमारा है सेकंड इक्वेशन में देखें
तो एक्स बाई टू, और बी डी कितना है, बी डी है एक्स बाई थ्री इसका स्क्वायर, ठीक है ए ई हो गया, इसको हमने मार्क कर लिया है। क्वेश्चन थर्ड, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ई बी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, करेक्ट। ए को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं ऐसे लिखेंगे, कुछ रिप्लेस कर लीजिए। ए बी को लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये बी ई इधर आएगा, और बी ई की लेंथ कितनी थी एक्स बाई टू का स्क्वायर। ये दो रिलेशन हमारे पास हो गए, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ए ई स्क्वायर दोनों का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होगा, यानी ए डी स्क्वायर राइट इज माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर। हमने यहां सॉल्व नहीं किया, हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिलेशन आ जाएगा। नाउ ए डी स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सिक्स, और थ्री माइनस टू यानी कि एक्स ओनली, ठीक है। तो सिक्स एक्स बाई सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। फाइनली ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर, और ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसको इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36, क्लियर हुआ। अब इसके आगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 36 मिलेगा, यहां पर क्या आएगा ना, 3 इंटू 9 यानी 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 27 प्लस 1 28 एक्स स्क्वायर अपॉन 36, जो सिंप्लीफाई हो रहा है कर लीजिए, कितना आएगा यहां पर, ठीक है 7 से 4 से कटेगा, 4 7 जा एंड 4 9 जा, ए डी स्क्वायर 9 इधर गया, 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर। आखिर एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स यानी क्या था हमारे पास, एक्स हमने क्या लिया था, ये देखिए ए बी बी सी ए सी सभी इक्वल थे, उनको हमने एक्स माना था, तो क्यों ना मैं एक्स को ए बी लिख दूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर, प्रूव्ड। ये रहा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। सो अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या लिखा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 670। यानी कि मीडियन इस डेटा का दिया गया है 16, और कह रहे हैं जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहां पर जो ए और बी आपको दिख रहा है इन द क्लास 5 टू 10 एंड क्लास 20 टू 25 में, ये आपको फाइंड आउट करना है अगर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आइए देखते हैं। ओके तो हमने इस टेबल को वर्टिकली ड्रॉ कर लिया है और साथ साथ इसकी बाकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। आपको दिया गया है कि मीडियन कितना है 16, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है 70।
ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन के केस में जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, ये देखिए, मीडियन इक्वल एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। सभी सिंबल्स आपको पता है क्या है, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 70, यहां पर एन भी इंडिकेट कर लीजिए, और एन बाई टू का मतलब यहां पर हो गया 35, 70 बाई टू, सी एफ जो मीडियम क्लास है ना, मीडियम क्लास के लिए जो पहले हमारी फ्रीक्वेंसी होती है कौन सी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लिखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास है क्लासेस, ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। तो क्यों ना हम सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां निकालते हैं सी एफ 12, 12 प्लस ए, ए प्लस 12, प्लस 12 ए प्लस 24, प्लस 15 ए प्लस 93, 39 प्लस बी ए प्लस बी प्लस 39 प्लस 6 ए प्लस बी प्लस 39 और प्लस 6 करेंगे 45, देन अगेन 6 ए प्लस बी प्लस 51, अगेन ए प्लस बी प्लस और ये 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 55, करेक्ट। ये हमारी सी एफ निकल गई। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 70, एन बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी 70 बाई टू यानी 35। अब मीडियन अगर गिवन है कि क्या है 16, तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हुआ, क्योंकि 16 हमारा 15 से 20 के बीच आ रहा है, ये मीडियन क्लास हुई, करेक्ट। तो जो जो हमको चाहिए वो हम लिखते हैं, ठीक है। एल एल यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 15, एन बाई टू की वैल्यू मेरे पास है 35, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, दैट इज ए प्लस 24, उसके बाद क्या चाहिए एफ, ये वाला एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड दैट इज 15, एच क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है आपकी 20 माइनस 15 दैट इज 5, क्लियर, सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और साथ ही साथ यहां पर मीडियन की वैल्यू भी है 16, तो इनको यूज करते हैं यहां पर, ठीक है, यहां यूज करते हैं। सो मीडियन यानी कि 16 इक्वल टू एल 15 प्लस अंडर ब्रैकेट 35 माइनस सी एफ दैट इज ए प्लस 24, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस आगे, होल अपॉन एफ दैट इज 15 अगेन इनटू 5, 16 और ये माइनस होगा इधर जाकर 15 इक्वल 35 माइनस ए माइनस 24 और 5 3 जा 15 अपॉन में 3 आएगा, यहां आया 1 और ये 3 जाके इनटू होगा तो 3, 35 माइनस 24 1 एंड 1 माइनस ए, ए को इधर करते हैं और ये 3 जो आएगा उसको हम इधर करते हैं, तो ए इक्वल 11 माइनस 3 दैट इज माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा ना, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू हमारी आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, आपको पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टोटल फ्रीक्वेंसी हमसे कहा गया था 70 है, और सबको सम करके क्या मिल रहा था
प्लस बी प्लस 55 इक्वल टू 70। ए की वैल्यू 8 आ चुकी है, हमने यहाँ रखा बी प्लस 55 इक्वल टू 70, बी इज इक्वल टू 70 और इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए 63, कितना आया 7। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू हमारी हो गई 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी आर 8 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर आ गई। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, कहीं प्रॉब्लम है बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइन एट डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर वेयर ए इज ग्रेटर देन बी राइट फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए आर 30 degree एंड 60 degree देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। फिगर तो बना हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद कॉइन की बातें भी की कही गई है, ठीक है। दो कॉइन हैं और वो कैसे कैसे पड़े हुए हैं, डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन में। तो जो फिगर हमको यहाँ पर दिख रहा है उसके अलावा हम एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। वो फिगर क्या है, ये हुआ कैंडल, सेम स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, ठीक है। तो बोला गया कि यहां से यहां की डिस्टेंस बी है और यहां से यहां की डिस्टेंस ए है। मैं पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। हमसे कहा गया था ए इज ग्रेटर देन बी, जो डिस्टेंस है वो ए कैसा ग्रेटर है बी से, तो यानी कि ये दूर है ये नजदीक रखा हुआ है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन 30 degree एंड 60 degree, तो यहां से बन रहा है 30 degree और यहां से बन रहा है 60 degree, ये 30 और ये 60। अभी बात क्लियर हुई, फिर से क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइंस डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस इन अ सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 degree एंड 60 degree, फाइंड हाइट ऑफ द कैंडल। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कैंडल, हमें इस कैंडल की हाइट फाइंड करनी है। तो ये मिल जाए मुझे h, दैट्स इट, मेरे लिए हो जाएगा सब कुछ। तो बी ए बी हमने ले लिया है, इसको सी ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डी पॉइंट, करेक्ट। इन ट्राइंगल डी सी बी हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, tan थीटा यानी tan 60 degree, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, tan 60 degree इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज b, करेक्ट। अब हम इसको यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है जल्दी जल्दी बताइए, √3। तो h की वैल्यू कितना आ गई, √3 b, ये तो b के रिस्पेक्ट में हुई बात, राइट। अब बात करते हैं a के रिस्पेक्ट में। इन ट्राइंगल डी सी ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, राइट। और p मतलब हाइट यानी h, a मतलब b, मतलब यहां पर a है ये बेस हमारा। h की वैल्यू अभी क्या हुई, तो a बाई रूट थ्री इज इक्वल टू h, इसको हम लिख सकते हैं 3√3a बाय 3 इज इक्वल टू h। ये पहला इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन हो गया,
दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलने वाला है, 2 टाइम्स एच इज इक्वल टू रूट 3 ए अपॉन 3 प्लस रूट 3 बी। रूट 3 दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो a बाई 3 प्लस बी 2 एच, एच की वैल्यू 3 बाई रूट 3 बाई 2 ए बाई ए प्लस 3 बी अपॉन 3। फाइनली अगर हम आंसर देखें तो क्या मिलने वाला है, h इज इक्वल टू रूट 3 बाई 6 ए प्लस 3 बी। ओके, अभी तो मेरा ये आंसर आ गया ना। एक तरीका और क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे यहां पर आपने दोनों को ऐड किया तो एक रिलेशन ये आया, और आप इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं लाइक एच इंटू एच इज इक्वल टू, इसको इसी फॉर्मेट में लेकर चलें, है ना, क्या मिलेगा रूट 3 बी इंटू ए बाई रूट 3 कैंसिल, आ गया ए बी एच स्क्वायर और एच की वैल्यू एक आ गई क्या अंडर रूट ए बी। भाई पॉजिटिव इस ले रहे हैं क्योंकि हमारी ये हाइट है, लेंथ होगा, है ना, वो पॉजिटिव ही होता है। अब अगर आप इन दोनों पर ए और बी की सेम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है और ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, सेम आएगी, पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये सही है तो आप ये मेथड यूज कर लीजिए, अदरवाइज दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि अंडर रूट ए बी, क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, क्वेश्चन नंबर 33 सैंपल पेपर का, और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं क्लासेस दिया गया है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, like 80 to 90 तक, है ना, एंड फ्रीक्वेंसीज रेस्पेक्टिवली क्या दी गई हैं, 5, x, 15, 12, 7। यहां पर जो x है यानी 50 to 60 में जो हमारा x अननोन है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। और क्या गिवन है, गिवन तो दिखा है ना कि मोड कितना है, तो मोड है यहां पर 67, कितना है 67। अब इससे एक बात समझ जाएगी कि मॉडल क्लास कौन सा हुआ, तो मॉडल क्लास हमारा, आप देखो मोड किस में आएगा भाई, मॉडल क्लास में ही आएगा, मॉडल क्लास हमारा हो गया 60 to 70 वाला, तो मॉडल क्लास 60 to 70 है, ठीक है ना, क्योंकि 67 इसी के बीच आ रहा है। अब मोड का अगर रिलेशन देखें तो मोड का जो रिलेशन है वो क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन, एफ नॉट भी बोलते हैं, एफ जीरो भी बोलते हैं, एफ नॉट, टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 60। अगर आप इसमें देखें तो ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 60, प्लस एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, दिख रहा होगा, माइनस एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास के पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी एक्स है, कितना है एक्स अपॉन 2 टाइम्स एफ वन मतलब 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 2 यानी एफ टू, एफ टू किस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास दैट इज, देखो टेबल में तो आ रहा है 12 इंटू क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज है हमारी 10, 70 माइनस 60 10। अब ये वैल्यू सॉल्व करनी है किसके साथ, मॉड के साथ, यानी मॉड 67 आ गिवन है, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो अननोन हमारा एक्स है और वो फाइंड आउट हो जाएगा, तो फाइंड करते हैं इसको, क्या मिलने वाला है 67 माइनस 60 इक्वल 15 माइनस एक्स अपॉन
अब यहां पे देखो 30 माइनस 12 माइनस एक्स इंटू 10, राइट, यहां आया 7, 15 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा इंटू 10। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे ले आते हैं इसको, 7 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस एक्स और इंटू में 10, तो 7 इंटू 18 कितना आएगा 126, हाँ 126 माइनस 7x इक्वल टू 150 माइनस 10x, x की वैल्यू इधर कर लेते हैं और कांस्टेंट इधर, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 150 माइनस 126 या 3x, 150 में से 126 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 24 मिलेगा, और 8 3 जा 24, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई 8, जो x था वो कितना हो गया 8। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्लियर, कहीं प्रॉब्लम होती है कांटेक्ट कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चेक।